नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। अब ईरान के वे मलंग धार्मिक नेता खिसियाकर भारत की तरफ देख रहे हैं, जो पिछले दिनों तक लाल पीली आंखें निकालकर गुर्राते नजर आते थे। ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ, फिर उसके बाद आयतुल्ला अली खामनेई ने जिस प्रकार भारत के अंदरूनी मामलों पर बयान दिए, वह हेकड़ी एक ही झटके में निकल गई। ईरान की अर्थव्यवस्था जवाब दे चुकी है और खजाने पर नागफनी के पौधे उगाए हैं। हालत यह है कि 1962 के बाद अब ईरान आईएमएफ के दरवाजे पर खड़ा है, पर दिक्कत यह है कि एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट के चलते उसे वहां से एक पाई भी मिलने की उम्मीद नहीं है। कौमो बस उसकी स्थिति लगभग उसके पड़ोसी पाकिस्तान जैसी है, यानी दोनों मुल्ला देशों का चूल्हा ठंडा पड़ा है। ईरान द्वारा भीतर खाने भारत से मदद की गुहार लगाई जा रही है। भारत में ईरान के राजदूत अली चेगेनी ने फिर कहा है कि इस मुश्किल वक्त में भारत को ईरान की मदद करनी चाहिए, पर सवाल यह है कि जब कश्मीर मुद्दे पर दुनिया भारत के साथ खड़ी थी और जाफराबाद मसले पर सभी तटस्थ थे, तब ईरान के नेताओं को ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? उल्टे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से शाबाशी पाकर ईरान सरकार फूलकर कुप्पा हुआ जाती थी। ईरान ने अपनी खस्ता हालत के मद्देनजर आईएमएफ से $5 बिलियन की मदद मांगी है। साथ ही भारत से कहा है कि पुराने संबंधों और सांस्कृतिक सहयोगी होने के नाते कुछ सहयोग उसे भी दिया जाए। हालांकि भारत सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, लेकिन ईरान का बदला नजरिया कहीं ना कहीं उसके गिरगिट होने का आभास दिलाता है, जो वक्त आने पर डंक मारने से नहीं चूकता। यूं भी इस्लामिक मुल्कों की रवायत में शुमार होता है। दरअसल ईरान की चरमराई अर्थव्यवस्था ने उसके सारे कसबल पूरी तरह ढीले कर दिए हैं। हालत यह है कि ईरान में एक रोटी का दाम 7,500 रियाल से ऊपर चल रहा है। कच्चे तेल का निर्यात नहीं होने और अमरीकी प्रतिबंधों की वजह से यहां भुखमरी फैल चुकी है। बेरोजगारी 40% से ऊपर है और महंगाई दर 50% के करीब जा रही है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले रियाल 42,105 पर आया हुआ है, जिसमें रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। ईरान के 568 रियाल का एक भारतीय रुपया आता है। खास बात यह है कि साल 1945 में अमरीकी डॉलर 32 रियाल के बराबर हुआ करता था। अब अंदेशा यह है कि आने वाले 3 महीनों में एक यूएस डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल 1.5 लाख पर पहुंच सकता है, यानी ईरानी मुद्रा की हालत कहीं ना कहीं वेंजुला वाली बन सकती है। ऐसे में ईरान आईएमएफ से मदद लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की जुगत में है, लेकिन आईएमएफ से उसे मदद मिल जाएगी इसकी गुंजाइश कम ही है। चीन और रूस से भी उसे मदद की उम्मीद नहीं है। रूस और चीन की हालत खुद ही पतली है। ऐसे में उसे भारत से ही एकमात्र उम्मीद जगी है। बड़ी बात यह है कि भारत के पास ईरान की मदद करने की क्षमता है। दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, उसमें भारत नेपाल भूटान श्रीलंका और मालदीव जैसे सहयोगी देशों को सहायता पहुंचा रहा है, मगर पिछले दिनों ईरान जिस प्रकार भारत के खिलाफ गया, वह मोदी सरकार को बेहद नागवार गुजरा है। बड़ी बात यह है कि जिस पाकिस्तान को खुश करने के लिए ईरान ने भारत पर आरोप पड़े थे, वह किसी भी दृष्टि से विस्मृत करने वाला नहीं है। भारत का ईरान में केवल चाबहार पोर्ट में ही रणनीतिक हित है, मगर पिछले एक साल से ईरान उस पर भी बार बार पाला बदल रहा है। ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ उसमें भी चीन और पाकिस्तान को एंट्री का बयान देकर भारत को एसएज कर चुके हैं। ऐसे में ईरान की विश्वसनीयता को लेकर भारत काफी सतर्क हुआ है। ईरान ने भारत से कहा है कि अगर वह सीधे सहायता नहीं कर सकता, तो आईएमएफ में अपने रुतबे के चलते वहां उसे यह मदद दिला सकता है, पर भारत ने ईरान को कोई आश्वासन नहीं दिया है। बड़ी बात यह है कि ईरान जिस प्रकार भारत के खिलाफ मुखर हो रहा है, उसे देखते हुए भारत ने संबंध सीमित कर दिए हैं और पूरा जोर सऊदी अरब यूएई जैसे खाड़ी के इस्लामिक मुल्कों पर लगा दिया है। यह देश इस वक्त भारत के साथ डटे हुए हैं। खासतौर से सऊदी अरब और यूएई ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ नहीं जाकर भारत का समर्थन किया है और यह 72 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। ईरान और खाड़ी देशों में अनबन के चलते भारत इन देशों से संबंध खराब करना नहीं चाहता है। फिर भूखा लाचार और गिरगिट ईरान वर्तमान भारत के हित में भी नहीं है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि ईरान ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके भारत पर दबाव बनाने की चाल चली थी, पर उससे उल्टे ईरान को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज ईरान मुसीबत में है और कोई भी देश उसके साथ नहीं है, जबकि ऐसे अवसर पर भारत अपने मित्र देशों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। जिसे याद नहीं है तो उन्हें मालदीव का उदाहरण देख लेना चाहिए। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।